हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आज है हमारा चेकआउट, तो अभी नाश्ता करके हम लोग निकलने वाले हैं। हमारी फ्लाइट है 1:30 बजे की। तो ये 3 दिन की जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत इन्जॉय करा विनीत और मैंने। अभी हमें जाने का भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो आपने सारे ब्लॉग्स देखे ही होंगे, आपको ब्लॉग्स कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। विनीत और मैं हमारा ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था। और हम लोगों ने जो बफे ट्राई करा था, डिनर बफे, वो भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था फूड यहाँ का। हम लोगों ने रूम में भी बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, तो ओवरऑल फूड वॉज वेरी गुड और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आपको, फूड के लिए तो बहुत अच्छा है ये होटल। तो हम लोग व्यूअर्स अब चेकआउट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने जैसे आपको बताया कर ही लिया था और ये होटल बहुत हमें अच्छा लगा। हमने 3 नाइट्स यहाँ स्टे करा एंड आई वुड रिकमेंड आईबिस स्टाइल्स कलंगुट गोवा, अगर आपको गोवा एक्सप्लोर करना है। और अब हम चेकआउट करके, हमने कैब ऑलरेडी एक दिन पहले ही बुक कर रखी थी, तो हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि गोवा में अगर आप पीक सीज़न में आएंगे तो आप, जैसे आपकी कैब है रिटर्न अगर एयरपोर्ट के लिए, तो आप हो सके तो एक दिन पहले बुक करके रखें अगर आपको अगले दिन जल्दी आपको फ़्लाइट लेनी हो, क्योंकि आपको पीक सीज़न में यहाँ पे कैब्स मिलना मुश्किल रहता है। एंड हम अभी ये जो रोड से जा रहे हैं, रोड बहुत अच्छा है, पर आपको बता दूँ कि कलंगुट बागा वाला जो एरिया है वो एयरपोर्ट से लगभग 45 किलोमीटर्स पड़ता है, तो आपको 1.25 घंटा तो लगता ही है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बोल देना चाहता हूँ व्यूअर्स, इम्पोर्टेंट बात, कि इस 1.5 घंटे में कभी कभार ट्रैफिक जाम के कारण आपको 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि जब भी आप गोवा एयरपोर्ट जा रहे हों तो थोड़ा जल्दी शुरू करिए। अब हमारी फ़्लाइट तो दोपहर की 1:30 बजे की, तो भी हम 9:30 इसलिए शुरू किया है क्योंकि हम 2 आवर्स ट्रैफिक का लेके चल रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं कि हम उससे जल्दी पहुंच जाए। और बहुत ट्रैफिक रहता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ व्यूअर्स, अगर आप गलत फंस गए, क्योंकि अभी हम खुद भैया से बात कर रहे थे कैब जो चला रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो कल 5 घंटे लगे उनको गोवा एयरपोर्ट पहुंचने में बागा कलंगुट से। आप सोचिए 44 किलोमीटर्स में 5 घंटे। तो हम एयरपोर्ट अभी पहुंच चुके हैं और बस अब हम चलते हैं अंदर। तो अभी हम लोग गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके, टाइम हुआ है 11:11 बज चुके। तो अभी हम हमारे चेक इन काउंटर पे जा रहे हैं, हमने विस्तारा की फ़्लाइट बुक करी है तो विस्तारा काउंटर पे जा रहे हैं। और अभी हम लोग 9:30 बजे निकले थे होटल से, तो हमें 1.5 घंटा तो लगा आने के लिए, 11 बजे हम पहुँचे। और जैसे हमने एक्सपेक्ट करा था कि बहुत ट्रैफिक होगा, उतना ट्रैफिक तो मिला नहीं, पर हाँ ठीक है, 1.5 घंटा तो लगा ही तब भी हमें आने के लिए, पहुँचने के लिए एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग काउंटर की तरफ निकल रहे हैं। और गोवा आने के बाद मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि आप रिटर्न घर पे जाओ, बहुत इच्छा करे कि और रुको। बहुत इन्जॉय करा हमने, बहुत अच्छी रही ये ट्रिप हमारी। और ये देखिए अभी गोवा का एयरपोर्ट भी अच्छा ही है। तो अभी अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आए काउंटर पे, क्योंकि वैसे तो हमारी फ़्लाइट थी 1:30 बजे की, तो अभी 11:30 हुए हैं, तो 2 घंटे में तो हमारा सब हो जाएगा आराम से, तो रश भी नहीं मिला हमें काउंटर पे, वो एक अच्छी बात हुई है। सो हमने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है, हम गोवा एयरपोर्ट पहुंच गए
व्यूअर्स, 1.5 घंटा लगा है हमें जबकि ट्रैफिक नहीं था, और हमें कैब ड्राइवर बता रहा था कि कितने ही लोगों की फ्लाइट्स छूटी है। तो आप अगर गोवा आ रहे हो या जा रहे हो करना। तो व्यूअर्स हम लोग है ना पहुंच चुके हैं गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई की फ़्लाइट है हमारी 1:30 बजे की और अभी टाइम हो रहा है 11:30। हम होटल से निकले थे 9:30 बजे, तो हमें हम लोग जल्दी इसलिए निकले थे क्योंकि अभी बहुत मतलब एक वीक से बहुत लोगों की फ़्लाइट मिस हो चुकी है ट्रैफिक के चक्कर में। यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, रोड कंस्ट्रक्शन का, तो बहुत लोगों की फ़्लाइट ट्रैफिक की वजह से। एक्चुअली आप अगर नॉर्थ गोवा में कहीं रह रहे हैं जैसे कलंगुट, बागा और इस तरफ के इलाकों में, तो वहाँ से एयरपोर्ट लगभग 45 किलोमीटर से, और रास्ते में बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिससे हैवी जाम लगता है। हमारा कैब ड्राइवर खुद हमें बोल रहा था कि कल तो उसकी खुद की 2 पैसेंजर्स थे जिनकी फ़्लाइट छूट गई, तो एटलीस्ट आपको बफर लेके चलना है 2 घंटे का ट्रैवलिंग का, और एयरपोर्ट आप 2 घंटे पहला पहुँचना चाहते हैं तो आपकी फ़्लाइट जिस टाइम की है उससे 4 घंटे पहले आप है ना गोवा एयरपोर्ट के लिए रवाना होने की कोशिश करें। जैसे हमारी 1:30 बजे की फ़्लाइट है तो हम 9:30 निकले और हम 11 बजे पहुँचे जबकि हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। मोस्टली मॉर्निंग में 10:30-11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक रहता है, और अगर आप साउथ गोवा रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है एयरपोर्ट आने। तो अभी हमारी विस्तारा की फ़्लाइट का हमने लगेज चेक इन, सिक्योरिटी चेक सब कुछ कर चुके हैं और अब जा रहे हैं कुछ देखते हैं एयरपोर्ट पे कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ पीने का, और फिर ये गोवा की ट्रिप बहुत हमारी अच्छी रही तो हम मुंबई वापस नॉर्मल लाइफ बिगिंस। तो व्यूअर्स देखिए कितनी भीड़ है गोवा एयरपोर्ट पे, बहुत भीड़ है आज तो, बहुत पूरा एयरपोर्ट भर चुका है। अभी मैं कॉफ़ी लेने गई थी उधर भी इतनी ज़्यादा लाइन थी, तो मैं एक जगह से तो वापस आ गई देख के और दूसरे जगह पे खड़ी हो गई, उसमें भी मुझे 15-20 मिनट लगे मेरा नंबर आने तक। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी फ्लाइट में बोर्ड करने, और फ्लाइट पूरी फुल है व्यूअर्स पूरी। हमने बहुत वेट करा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जल्दी पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, बहुत टाइम हमें वेट करना पड़ा। और व्यूअर्स मुंबई की है ना हमारे फ्लाइट से जस्ट 1/2 घंटे पहले भी इंडिगो की मुंबई की फ्लाइट थी। तो मैं और आरती बैठ चुके हैं, और आरती विंडो सीट पे ही हमेशा बैठती है, उसका रिवाज बन चुका है। मुझे कभी बैठने का मौका नहीं मिला आज तक शादी के बाद। ये गोवा एयरपोर्ट का थोड़ा ऐसा है ना कि आसपास पूरा खाली है व्यूअर्स, और जब भी ये भी मुंबई की तरह जब भी यहाँ से प्लेन टेक ऑफ होते हैं ना तो आप एकदम जो सी होता है उसके ऊपर चले जाते हैं, तो अच्छा तो नहीं लग रहा। आरती को मैं बोल रहा हूँ बाहर टाटा करो तो वो बोल रही किसको टाटा करूँ, तो मैंने बोला गोवा को टाटा करो। तो ठीक है व्यूअर्स, सब चल रहे हैं 1 घंटे में तो पहुँच जाएंगे मुंबई, पर एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आप गोवा आ रहे हों तो साउथ गोवा अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो एयरपोर्ट से बहुत पास में है, और नॉर्थ गोवा अगर एक्सप्लोर करना है तो एयरपोर्ट से बहुत दूर है। तो चलिए देखिए, आप अभी आपको दिख ही रहा होगा प्लेन पूरी रफ्तार पकड़ चुका है, और विस्तारा का कुछ भी बोलिए व्यूअर्स, इसका सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, और दूसरा ये जो व्यू लग रहा है गोवा का, समुद्री किनारा पूरा दिख रहा है नीचे। और बदकिस्मती से आरती बोल रही थी कि हमें विंग्स के ऊपर सीट मिली तो इतना नज़ारा नहीं मिला, और ये मुंबई एयरपोर्ट देखो पलक झपकते पहुंच भी गए हैं। अब मुंबई एयरपोर्ट पे दिक्कत ये है कि आपका प्लेन लैंड होने के बाद भी आपको 15-20 मिनट लग जाते हैं प्लेन से उतरने में, और उसके बाद अब हम हमारा सामान ले रहे हैं। तो अब हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अभी लगेज ले। तो अभी हम लोग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, अभी घर के लिए निकलेंगे। आपने सब गोवा ब्लॉग्स देखा ही होगा, आई होप आपको पसंद आए, और अभी मिलते हैं आगे के नए ब्लॉग।
टिल देन बाय।